क्या आपकी मसल्स बढ़ती एज के साथ बढ़ना रुक चुकी हैं? क्या आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जिम में हर उस शख्स से बात करके जिसने आपको कोई ना कोई एक एडवाइस दी है, आई एम अ मैगी, लेकिन उसको फॉलो करने के बाद भी आपकी मसल में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती? अगर आप कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी बातें जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशली जब आप अपने एजिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करेंगे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी एंड अब अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो उसके तरीके भी थोड़े से अलग हो जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नीड मोर प्रोटीन। अब ये बात तो हर एक इंसान को पता है कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन अब बात ये आती है कि आपको कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा। सो एक बेसिक फॉर्मूला है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए होता है पर LB ऑफ योर बॉडी वेट, एंड अगर आपका वेट kg में है तो 1 kg इक्वल्स टू 2.2 LBS। सो इससे आप रफली अपना प्रोटीन इंटेक निकाल सकते हैं। सेकेंड, रेस्ट। अब रेस्ट एक बहुत जरूरी फैक्टर हो जाता है आपकी मसल रिकवरी के प्रोसेस में, एंड जैसे जैसे आप एज करते हैं तो ये और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है ताकि आप एफिशिएंटली अपने वर्कआउट्स कर सकें एंड अपनी मसल बिल्ड कर सकें। जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप बिगनर होते हैं या फिर आप यंग होते हैं तो आप 6 दिन भी वर्कआउट कर लेते हैं या फिर 7 दिन भी वर्कआउट करने के लिए जाते हैं इन अ वीक, तो तब तो आपकी बॉडी रिकवर जल्दी कर लेती है एंड आपको कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। However, अगर आपकी एज अब बढ़ने लग गई है, आप कहीं ना कहीं 30s से 40s में आ चुके हैं, तो अब 6 बारी वर्कआउट करना एक हफ्ते में एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। इससे बेटर ये होगा कि आप हफ्ते में 5 बारी वर्कआउट करें ताकि 2 रेस्ट के डेज आप अपने वीक में डाल सकें एंड उससे आपकी बॉडी रिकवर कर सके। सो अगेन, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्कआउट कैसे प्लान करते हैं। अगर आप अपनी अपर बॉडी को टारगेट कर रहे हैं 2 दिन, तो 3rd दिन आप अपनी लोअर बॉडी को टारगेट कर सकते हैं एंड देन 1 रेस्ट का डे भी लगा सकते हैं। 3rd, joint sensitivity. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके joints भी काफी sensitive हो चुके होते हैं and आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि अब आप उतना वेट ना लगाने जाएं जितना आप अपने prime age पे जाते थे, because अगर आप ऐसा करते हैं तो injury को आप खुद ही न्योता दे दें। So अब यहाँ पे आपको smart play करना होता है। आपका goal है अपनी muscle को train करना, ना कि उसको particularly सिर्फ एक ही exercise से train करना। अगर आप squats लगाने में अब थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं तो एक बेटर ऑप्शन हमेशा रहेगा लेग प्रेस का। सिमिलरली बारबेल पे चेस्ट प्रेस करने से बेटर ये हो जाएगा कि आप डंबल पे करें, बिकॉज उससे आप ज्यादा रेंज ऑफ मोशन भी ले पाएंगे एंड इट विल बी कंपेरेटिवली लाइटर ऑन योर जॉइंट। 4th, कार्डियो। सो ये तो सबको पता है कि कार्डियो से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, यानी कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है एंड ओवरऑल आपकी बॉडी में एक अच्छा ब्लड फ्लो बना रहता है जिससे आपके सेल्स तक ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली पहुंच पाता है। तो आपको कार्डियो करना चाहिए, लेकिन अगेन आपको जॉइंट्स को ध्यान रखते हुए कार्डियो को करना है। अगर आप 20-22 की एज में बर्पीज लगाने का शौक रखते थे तो अब आप 40 की एज में बर्पीज ना लगाएं, बिकॉज आपके जॉइंट्स रिस्क पे आ जाएंगे। आपको अपना कार्डियो वहां मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आप साइकिलिंग एज एन ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग एज एन ऑप्शन चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग, बिकॉज इन चीजों से आपका जॉइंट्स भी सेफ रहेगा एंड आपका कार्डियो भी अच्छे से हो जाएगा। 5th, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज के साथ कंसिस्टेंट है तो आपको रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे। जनरली होता क्या है, जब आप एज करने लगते हैं तो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, चाहे वो आपकी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फैमिली की हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अब आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना है कि इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में आप अपनी कंसिस्टेंसी को इफेक्ट ना होने दें जब आप बात कर रहे हैं फिटनेस की। सो टेक्निकली आपको एक गोल लेके ही चलना है कि आप हफ्ते में 5 दिन तो वर्कआउट करने जाएंगे ही जाएंगे, ताकि आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस कंसिस्टेंट रहे एंड उससे आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। लास्ट, सप्लीमेंटेशन। जैसे जैसे आप एज करेंगे कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी में काफी ज्यादा डिफिशियंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आपको डायग्नोसिस जरूर कराना है एंड एक बार आपको डायग्नोसिस से पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ है, वहां पे आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं डॉक्टर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग एंड अपनी बॉडी को हेल्दी वे में फंक्शन करने के लिए एड कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है एंड आई होप आपको जेन्युइनली समझ में आया हो कि कहां कहां पे आप शायद मिस आउट कर रहे थे या कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप एडिशन कर सकते हो ताकि आपका जो प्रोसेस है मसल बिल्डिंग का वो बिना हैम्पर हुए आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा। ऑल्सो एक और चीज, कमेंट करके जरूर जाना और लाइक जरूर कर देना वीडियो पे अगर आपको वीडियो पसंद आया।